मनु है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी क्या भरत और संभव, ज्ञानी भी भगवान का भजन करते हैं। तो वही बात हम कह रहे थे कि ज्ञानी को कुछ तो चाहिए नहीं भगवान से, वो क्यों भजन करते हैं? बोले अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं चा निर्मो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करता है उसको चाहिए कि किसी प्राणी से द्वेष न करे, बराबर वालों से मित्रता करे और जो छोटे लोग हैं उनके प्रति करुणा रखे, अपने शरीर में और शरीर के संबंधियों में ममता न रखे, अहंकार न रखे, अपराध करने वाले को क्षमा करे। ये सब सद्गुण जिसके भीतर होते हैं वही परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य बनता है। अब इस तरह के सद्गुणों का संपादन करके कोई परमात्मा का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो जाए तो अद्वेष्टा पहले था, अब क्या अद्वेष्टा हो जाएगा? कहते हैं जैसे उसका साधन का स्वरूप चल रहा था वही रहेगा। भगवान का भजन करते करते भगवान को यदि उसने प्राप्त भी कर लिया तो भजन उसका स्वभाव हो जाएगा। इसलिए जो भगवान के तत्व को जान चुके हैं वो जान कर भी भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। तो पामर के लिए और जीवन मुक्त के लिए साथ नहीं है, कृतकृत होने के कारण साथ उससे निवृत्त हो जाते हैं। वो विषयी और साधक के लिए हैं, वो बताते हैं कि तुमको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो राजा परीक्षित बोले कि महाराज तीन प्रकार के जो जीव हैं वो भगवान की कथा सुनकर कभी अघाते नहीं। रामचरित जी सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुनकर जो अघा जाते हैं अभी उनको उसका रस विशेष नहीं मिला। हम दृष्टांत दिया करते हैं, दो चींटी थी, कीड़ी कहते हैं लोग, कीड़ी चींटी, एक मिश्री के पहाड़ की थी और दूसरी नमक के पहाड़ की थी। तो दोनों बहन बहन थी, तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ में रहने वाली चींटी के घर मेहमानी के लिए गई। उसने अपनी बहन का स्वागत किया, बैठाया और एक सेंधा नमक की डली उसके सामने रख दिया कि बहन भोजन करो। जैसे ही उसने मुंह लगाया तो खारा नमक मालूम पड़ा, तो दो चार कदम पीछे हटी, कहने लगी बहन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे जहर दे दिया? का क्या बात है? का ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया नहीं। का बहन ये तो हमारा रोज का भोजन है, अच्छी से अच्छी दही हमने तुमको खिलाई है। तो वो समझ गई, बोले ठीक है अब तुम्हारी मेहमानी हो गई हमारे घर चलो। तो ये नमक की डली वाली जो कीड़ी थी इसने सोचा कि इसके घर जाएंगे तो शायद वहाँ नमक नहीं मिलेगा। तो एक नमक की छोटी सी डली मुंह में दबा के गई। अब जब वहाँ पहुँची तो मिश्री उसके सामने रख दी गई, लेकिन मिश्री में उसने मोह लाया लगाया स्वाद नमक का आया,
तो उसने कहा तुम बड़ी तारीफ कर रही थी अपने भोजन की, तुम्हारा भोजन भी तो हमारी जैसा है। बोला कहा मेरी प्यारी बहन नमक की डली तो निकाल। तो उसने बहुत मुश्किल से नमक की डली निकाली और जो मिश्री में मुंह लगा तो फिर नमक के पहाड़ में जाने का नाम नहीं लिया। इसी तरह से विषय वासना की डली लेकर जो लोग कथा सुनने आते हैं ऐसे लोग कथा बिगाड़ने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे आगे बैठ जाएंगे और बार बार घड़ी देखेंगे और एक दूसरे से बात करने लगेंगे तो वक्ता समझेगा कि मेरी बात जम नहीं रही है, खत्म करो, इनको कहीं जाना है जल्दी। तो अपना भी उनने बिगाड़ा और दूसरों का भी बिगाड़ दिया। माड़ा आपके आप गए और साथ हाथ का पगा भी लेते गए। ऐसे लोग होते हैं, ये हमेशा पहुंच जाते हैं और सामने सामने बैठे हैं क्योंकि बड़े आदमी हैं, इनको लोग आगे बैठा देंगे, लेकिन वो वहां कथा और बिगाड़ते हैं। तो जो व्यक्ति सब प्रकार की वासनाओं का त्याग करके भगवान की कथा सुनता है उसको भगवान की कथा अमृत जैसी मधुर लगती है, अमृत जैसी मीठी लगती है। और फिर वो उसका रस जान लेने के कारण फिर कभी नहीं छोड़ता है, दौड़ के वहां पहुंचता है। रसग्रह हो जाता है, रसग्रह उसको हो जाता है। इसलिए कब उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित बिना पशुगुनात। बहुत से लोग हैं आत्मघाती, आत्महत्या। लोग कहते हैं आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, तो आत्मघाती कहां है? आत्महत्या की चर्चा तो उपनिषदों में वेदों में भी है। एक ही छात्र बहनों जना असूया नाम थे लोका अंधे ने तमसाविता तागुण थे प्रत्याभिगछन थी। एक ही छात्र बहनों जना, तो वो लोग जो आत्महत्यारे हैं वो आत्महत्यारे उन लोगों में जाते हैं जो असुरों के हैं, असुरिया जहां घोर अज्ञान का अंधकार रहता है। तो आत्मा का जब हनन नहीं हो सकता तो आत्महत्यारा कहां से आ जाएगा? तो उसका समाधान यह है कि केवल मारना ही हत्या नहीं है, किसी का अपमान कर देना संभावित कहा अपजस राहु मरण कोटि सम दारुण राहु जो